छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, ऐसा कहा जाता है कि ये चार ऐसे राज्य हैं जो चीतों के रहने के लिए अनुकूल वातावरण देते हैं। इसी बीच करीब 70 सालों बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से आए 8 चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा, इसके बाद इन चीतों का ठीक तरह से देखरेख हो रही थी, इनके समय समय पर इनके चेकअप भी होते हैं और इनके खाने पीने से लेकर हर छोटी से छोटी चीज़ का जो है वो ध्यान रखा जाता है। इसके बाद 18 फरवरी 2023 को दक्षिण अफ्रीका से एक चीता आया जिसका नाम उदय रखा गया और ये भी करीब 22 अप्रैल तक पूरी तरह से ठीक था, लेकिन 23 अप्रैल को जब वन विभाग की टीम ने इसको देखा तो उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लगी और वो थोड़ा सुस्त नज़र आ रहा था, जिसके बाद उसको बेहोश करके तुरंत मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भेजा गया और शाम को करीब 4 बजे इस चीते की मौत हो जाती है, जो कि काफ़ी बुरी खबर थी सभी के लिए। इसके बाद इस चीते का जो शव था उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम के रिपोर्ट में एक ऐसा खुलासा हुआ है जो वाकई बेहद खतरनाक है जानवरों के लिए। तो पोस्टमार्टम के रिपोर्ट में ऐसा बताया गया है कि इस चीते की जो मौत है वो हार्ट अटैक की वजह से हुई है। एक इसके मरने के दौरान का एक वीडियो भी सामने आया है। ऐसा बताया जा रहा है कि किसी सीसीटीवी का फुटेज है जिसमें वो चीता सुस्त नज़र आ रहा है, गर्दन झुकाकर नीचे की ओर चल रहा है और अचानक से वो गिर जाता है। इसी के साथ ही जो नामीबिया से 8 चीते आए थे उनमें से एक मादा शासा नाम की एक जो चीता थी उसकी मौत हो गई थी। हालांकि वो पहले से किडनी से पीड़ित थी, उसकी किडनी में कुछ परेशानी थी और धीरे धीरे उसको थकान जैसी कई समस्याएं होने लगी, इसकी वजह से उसकी मौत हो गई। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि क्या अब जानवरों के लिए भी पर्यावरण सुरक्षित नहीं है, क्योंकि ये जो किडनी फेल होना या फिर सांस फूलना या फिर हार्ट अटैक की जो समस्याएँ थी वो अक्सर इंसानों में देखी जाती थी। धीरे धीरे इस तरह की जो बीमारियां हैं वो जानवरों के अंदर भी बढ़ रही हैं, जो एक बेहद चिंता का विषय है। तो ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले समय में अगर पर्यावरण को सुरक्षित नहीं किया गया, जानवरों के आधार पर उनको नहीं रखा गया, तो आने वाले दिनों में जो जानवर पर्यावरण, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, जो जीव जंतु होते हैं वो पर्यावरण के पूरक हैं और जो पर्यावरण है वो जानवरों का पूरक होता है, तो इस तरह से अगर जानवरों को भी इंसानों वाली बीमारियां फैलने लगेंगी तो ये बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है। फिलहाल इस पर जाँच चल रही है और उदय का जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है वो तो वाकई बेहद चौंकाने वाली है।